हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, खून को कैसे पतला किया जाए, वो भी घर पर, वो भी बिना किसी दवाई के। क्या आप भी खून को पतला करने के लिए रोजाना कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, जिसके द्वारा आप सोचते हैं कि आप रोज का रोज अपने खून को पतला कर लेंगे? लेकिन आपको शायद ये चीज पता नहीं है कि जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खून को पतला करने के लिए आप रोजाना खा रहे हैं, वो आपके लीवर को डैमेज कर रही है, लीवर को खराब कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका खून तो पतला होगा, लेकिन आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिना दवाई के घर पर आप खून को पतला कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, हाँ आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। दोस्तों, खून को पतला करने की कॉमन सी मेडिसिन आती है एस्प्रिन। एस्प्रिन से खून बहुत जल्दी पतला हो जाता है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीन चीजों को मिलाकर आपने घर पर एस्प्रिन खुद तैयार करनी है और उसका सेवन करना है। पहली चीज है जिंजर। तो हमने यहाँ जिंजर लेनी है, यानी कि आप चाहे तो जिंजर वैसे ले लीजिए, यानी अदरक वैसे ले लीजिए, आप चाहे तो इसका एक चम्मच जूस ले लीजिए, रस ले लीजिए। यानी इसके अलावा दूसरी चीज हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है, वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन होता है, तो यहाँ हमने आधा चम्मच लहसुन का जूस लेना है। आप चाहे तो दो कली लहसुन ले सकते हैं। तीसरी चीज है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे खून को भी पतला करता है। तो यहाँ हमने 3 से 4 चुटकी के करीब हल्दी लेनी है। इन तीनों चीजों को मिक्स कीजिए, गुनगुने पानी में डालिए और सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं। ये आपकी ऐसी मेडिसिन तैयार हो गई जो आपके खून को पतला करेगी। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि आप शायद जानते होंगे, क्योंकि ये हमें कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देगी, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचा कर रखेगी, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करेगी, इसके अलावा डायबिटीज से बचा कर रखेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, बॉडी में वात को टिकने नहीं देगी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लोग गार्लिक यानी लहसुन का सेवन नहीं करते, वो क्या करें, वो लौंग यानी क्लोव का सेवन करें। जैसे कि लहसुन के अंदर एलिसिन खून को पतला करता है, वैसे ही लौंग के अंदर जो युगनोल होता है, वो खून को पतला करने का ही काम करता है। तो यहाँ आप 2 लौंग का पाउडर भी ले सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी एक और चीज बता रही हूँ, वो है टमाटर। रोजाना कच्चे टमाटर खाइए, रोटी के साथ नहीं, यानी एज ए सैलेड नहीं खाना, आपने कच्चे टमाटर दिन में कभी भी खाने हैं, 4 टमाटर खाने हैं। ऐसा करने से नेचुरल तरीके से आपका खून पतला होगा, खून गाढ़ा नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी। इसके अलावा टमाटर के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये फेस पर ग्लो लाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनकी किडनी में स्टोन है, उन लोगों ने टमाटर का सेवन नहीं करना। दोस्तों, इन चीजों का सेवन करके आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने ब्लड को थिन यानी पतला कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हाँ, आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।